जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीवन में खराब वक्त, बुरा वक्त आने से पहले हमें कौन से संकेत मिलेंगे और खासकर इस साल हमें वो कौन कौन से संकेत मिलने वाले हैं जिससे कि हम ये जान पाए कि हमारा जो आने वाला वक्त है वो कैसे अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। इस विषय को लेकर जो मन में बातें चलती, ये आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये जो भ्रांति है आपके मन से, ये हमेशा के लिए निकल जाएगी और उसकी सही चीज़ और सही बातें आपको पता लग जाएगी। तो ये वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। वो इसलिए करें ताकि आपको ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो हमेशा मिलते रहे। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय गणेशाय नमः, जो आपका मन हो कमेंट्स में आप भगवान का नाम ज़रूर लिखें। चौथी बात है कि आप अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात कि खराब वक्त जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। पहला पॉइंट है कि जब हम मन में एक धारणा बना लेते हैं कि आने वाला वक्त हमारा खराब रहेगा, एक पूरी नेगेटिव वे, उसे एक नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे आसपास बना लेते हैं और उस वाइब्रेशन का प्रभाव दोस्तों इतना होता है कि हमारी चीज़ें अच्छी भी होने के बाद हमें खराब नज़र आती है और हमें धीरे धीरे हम नेगेटिव वे में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि कभी भी इस तरह के मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों को इतना गंभीरता से न लें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यहाँ तक हम बहुत अच्छे से आए हैं जीवन में, सब चीज़ें पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव होती है कुछ चीज़ें, पर हम बहुत अच्छे से आए हैं, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ चीज़ें दी है अन्य के मुकाबले, तो हम उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। दूसरी बात होती है कि वहाँ पर लोगों के अच्छे दिन खराब खत्म हो जाते हैं जब महिलाओं का सम्मान नहीं होता, इसमें महिलाएं भी शामिल है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जहाँ देवी का सम्मान नहीं होगा, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, वहाँ पर कभी लक्ष्मी, कभी धन्य और उनके कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। उनके वक्त जो है अगर अच्छा भी चल रहा हो तो वो खराब की ओर जाएगा। दूसरा है कोई भी व्यसन या नशा ना करें, नशा जीवन का नाश है दोस्तों, कोई भी नशा ना करें। चौथी बात है कर्ज से जितना हो सके बचे, जितना हमारी चादर हो, जितना हम दे पाए उतना ही कर्ज ले, ज़्यादा कर्ज न ले, और ज़्यादा कर्ज ही जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो कर्ज से बचे जितना हो सके, कोशिश करें कि जो भी है हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ, जो हम चुका सकते हैं वो कर्ज के मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से जातक ऐसे होते हैं जो अति कर्ज ले लेते हैं और उसकी वजह से वो कई बार नेगेटिव में चले जाते हैं। चौथी बात है कि जो ईश्वर का जप नहीं करते हैं, ईश्वर का नाम हमेशा ले, भगवान का जप करते रहे, वो हमेशा कृपालु है, दयाधारी है, हम अपने बच्चों पर, संतानों पर हमेशा कृपा रखता है, इसलिए ईश्वर का नाम हमेशा जप करते रहे। पाँचवीं बात, अपने माता पिता को पूर्ण सम्मान करें, उन्हें खुश रखें, उनके सुख सुविधा के लिए जो हमसे पॉजिटिव हो पाए वो सभी चीज़ें करें। वही ईश्वर है। अच्छा लगा लाइक करें। जय श्री महाकाल।